धर्मपुरी के ग्राम पंचायत डोंगरी दसोड़ा में प्राथमिक स्कूल में जल जीवन मिशन के तहत बनाए जा रहे पेयजल एवं टीन शेड का निर्माण कार्य लगभग 6 महीने से अधूरा है। न ही टीन शेड लगा है और न ही नल कनेक्शन भी पूरा किया गया है। स्कूल के बच्चों ने कहा, पानी पीने का साधन सिर्फ एकमात्र हेडपंप था, जिसे निकालकर मोटर पंप डाल दिया गया है, जिससे बच्चों को कई बार तो पानी पीने के लिए गांव में जाना पड़ता है। स्कूल से करीब 1 किलोमीटर दूर विद्युत सर्विस गांव में है, स्कूल के पास नहीं है। जब SW24 न्यूज धर्मपुरी संवाददाता सुनील वास्कले ने जिम्मेदार अधिकारी से बात करना चाही तो अधिकारी ने कहा कि 2 से 3 दिनों में कार्य चालू किया जाएगा और 1 सप्ताह में कार्य पूर्ण किया जाएगा। विद्युत कनेक्शन के लिए विद्युत विभाग को आवेदन दे दिया है, 1 सप्ताह में कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। धर्मपुरी से सुनील वास्कले की रिपोर्ट। आपका नाम? विकास चौहान। आप पानी कहाँ से पीते हो स्कूल में? टंकी से। टंकी से पीते हो? और अगर टंकी में पानी नहीं आता है तो कहाँ पानी पीने जाते हो? गांव में। और यहाँ पर स्कूल के द्वारा पहले हेडपम्प लगाया गया था, उसमें ट्यूबवेल नहाक दी। अच्छा, ट्यूबवेल डाल दिया। हाँ। तो अगर मतलब टंकी में पानी नहीं रहता तो आप पानी गाँव में पीने जाते हो? हाँ। नमस्कार साथियों, आज खड़े हम धर्मपुरी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत डोंगरी दसोड़ा में, जहां पर पीएचई विभाग के द्वारा पेयजल का कार्य किया जा रहा था जो करीबन 5 से 6 महीनों से अधूरा पड़ा हुआ है, जिसमें जिम्मेदार व्यक्ति अभी तक सूद नहीं ले रहे काम के लिए। और हमने आज उनसे चर्चा की है तो उन्होंने कहा है कि 3 से 4 दिन में ये काम जो भी अधूरा है वो करके देंगे। और यहाँ पर एक बोरिंग की गई थी हेडपम्प के लिए, जिसमें हेडपम्प डाला हुआ था, लेकिन पीएचई विभाग के द्वारा वो हेडपम्प के निकाल कर उन्होंने ट्यूबवेल डाल दी है। और उसी के साथ में एक यहाँ पर पानी पीने के लिए एकमात्र साधन इमरजेंसी में सिर्फ हेडपम्प था, वहाँ पर उन्होंने अपना मोटर डाल दी, जिससे यहाँ पर बिजली नहीं होने से बच्चों को इमरजेंसी में अगर पानी की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है तो बच्चों को पानी पीने के लिए वापस गांव में जाना पड़ता है, या फिर उनको घर से पानी की बोतल साथ में लाना पड़ती है। तो पीएचई विभाग के अधिकारी ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर यह काम जो भी अधूरा है वह पूर्ण करके देंगे। तो देखते हैं कि यह काम कितने दिन में अधिकारी पूरा कर पाएंगे। सर आपका नाम? देवेंद्र गोयल। सर ये जो अभी पीएचई विभाग द्वारा नल का कनेक्शन किया गया, टीन सेट लगा रहे हैं यहाँ पर पेयजल के लिए जी, तो सर ये काफ़ी दिनों से अधूरा पड़ा है, तो कब से अधूरा पड़ा हुआ है? ये करीबन अगस्त से अधूरा पड़ा है, अगस्त से निर्माण कार्य बंद है इसका भी। अच्छा, तो सर ये आगे जानकारी आपसे मांगी गई थी क्या? हाँ, इसकी जानकारी आगे से जिला पंचायत सीओ द्वारा मांगी गई थी, जिसकी जानकारी हमने वरिष्ठ कार्यालय को दे दी। अच्छा, तो सर उसमें पीएचई विभाग का ये अभी काम अधूरा पड़ा हुआ था, तो पीएचई विभाग से जानकारी कैसे के लें? पीएचई विभाग से आप विभाग से जानकारी ले सकते हैं, अभी तो हमें कुछ आया नहीं उसके बारे में। अच्छा, और एक दो बार मैंने जो यहाँ पे काम करते सुपरवाइजर जो थे उनसे संपर्क किया था, उन्होंने बोला था 2-4 दिन में इसका कार्य हम करवा देंगे। अच्छा, लेकिन उसका कार्य अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सर अभी पेयजल की यहाँ पर कैसी व्यवस्था है, मतलब कहाँ से पानी आता है? अभी पानी गाँव के ट्यूबवेल द्वारा दिया जाता है। अच्छा, वो यहाँ से गाँव की एक टंकी है अपने यहाँ रखी हुई है 2000 लीटर की, उससे एक बार भर दिया जाता है और पानी उससे बच्चों को दिया जाता है। सर बीच में जैसे ये अभी ट्यूबवेल का पानी गांव से नहीं आ रहा था, तो उस समय में बच्चे पानी कहाँ पर पीने जाते थे? उस समय गांव के जो हेडपम्प है वहाँ पे पानी पीने जाते थे। अच्छा, यहाँ स्कूल से गांव में पानी पीने के लिए जाते? जी बिल्कुल, दूर जाते थे। अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।